हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों में ऊना में कुछ लोगों के द्वारा घर के बाहर खड़ी कार को चुराने का प्रयास किया गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा चोरी करने वाले लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्रोवाइड करवाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को पहले गुरदासपुर से गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आज फिर से दूसरे आरोपी को गुरदासपुर से गिरफ्तार कर ऊना लेकर आई है। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए गई टीम ऊना के थाना SHO सरजीत सिंह, सिटी चौकी के SHO जगबीर और महेश्वर ठाकुर, हेड कांस्टेबल देशराज संजीव कुमार ने बड़ी कड़ी मेहनत करके दूसरे आरोपी को गुरदासपुर से पकड़ने में सफलता हासिल की है। दूसरे आरोपी को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी की जा रही है और इसका रिमांड लेकर आगामी जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। DSP ऊना कुलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने गुरदासपुर में चोरी के आरोप में दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे जल्द ही कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सर, गाड़ी चोरी के मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में हमारे सदर पुलिस स्टेशन में 2 महीने पहले एक रात को वारदात हुई थी, जिसमें कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी चोरी करने की कोशिश की थी, जिसमें कि हमने FIR रजिस्टर की थी 379511 और 34 IPC के तहत हमने इसमें FIR दर्ज की थी। और उसमें हमने एक व्यक्ति को पहले ही गुरदासपुर से अरेस्ट किया था। इसमें उसी कड़ी में एक व्यक्ति है जो जिसका नाम है जोवनजीत सिंह, सन ऑफ लखवीर सिंह, BPO गद्दियां कलां, तहसील एंड पोस्ट ऑफिस गुरदासपुर, और उनको हमने वहां से अरेस्ट किया है और अभी जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा।